हेलो किड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सिविक्स चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। गांव के प्रशासन संबंधी बातों को हम पढ़ेंगे। भारत में लगभग 6 लाख गांव हैं और सभी गांवों की पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था का ध्यान रखना कोई आसान काम नहीं है। लैंड रिकॉर्ड रखना, उसका जो जमीन है उनका रिकॉर्ड रखना, विभिन्न प्रकार के जो विवाद होते हैं उनका निपटारा करना, इन सब का इन चीज़ों का करना होता है। इस चैप्टर में हम 2 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स के बारे में बात करेंगे। एक गांव है जहां पर एक घटना, मतलब झगड़े होते हैं किस किस बात को लेकर, जमीन को लेकर, अ क्वारल इन विलेज। एक गांव है वहां पर मोहन और रघु दो किसान रहते हैं। मोहन की एक जमीन है, है ना, जमीन है वहाँ पर, और वहाँ पर क्या है कि एक बाउंड्री भी है जिसको कि बंड कहते हैं। तो रघु नाम के व्यक्ति ने क्या किया कि उस बंड को थोड़ा पीछे उधर करके उसकी जमीन का विस्तार कर दिया, उसने उस पर अतिक्रमण कर लिया एक प्रकार से कह सकते हैं। तो उन दोनों के बीच मतलब विवाद होता है। तो अब क्या होता है कि विवाद होने पर जब एक्चुअली होता है, जो रघु होता है, रघु वो एक तो बहुत मतलब उसके पापा, उसके जो अंकल होते हैं वो सरपंच होते हैं, एक तो उसका वजूद ऐसा ही मतलब वो होता है। तो वो उससे बात करने से थोड़ा डरता है, कौन, मोहन, कि भाई मैं उससे जाके बात करूं, लेकिन वो डरता है। फिर भी वो साहस इकट्ठा करके, मतलब हिम्मत करके वो जाता है उसके पास। जब उससे इस बारे में बात करता है तो रघु बात मानता नहीं है और उसके जो आदमी होते हैं उसको मारपीट करते हैं। अब मारपीट करने वो घायल हो जाता है। तो अब क्या होता है कि वो जब उनके गांव वाले उसको बोलते हैं कि नहीं, आपको इसके लिए अपने को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, तो जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उसमें से कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, अपने को गांव के नहीं, अपने और पैसा थोड़ा पैसा लगा कर, यहाँ पैसा वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरे पुलिस स्टेशन जाएंगे और ज़्यादा पैसा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाँव वालों का कहना है कि नहीं, हर गांव का एक पुलिस स्टेशन होता है, उसके एरिया का एक पुलिस स्टेशन होता है, कहने का मतलब है, और हमारे एरिया का जो पुलिस स्टेशन जो है हमको वहीं पर जाना है ना, यानी कि एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, हम किसी दूसरे स्टेशन पर नहीं जा सकते, क्योंकि हर गांव का या हर एरिया का एक पुलिस स्टेशन होता है और उस एरिया के जितने भी विवाद होते हैं उस पुलिस स्टेशन में ही उसका निपटारा होता है। ठीक है, वे सभी पुलिस के पास जाते हैं। हम यहाँ पर पढ़ते हैं द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन पर क्या कार्य होता है। अब देखिए, जैसे ही पुलिस स्टेशन वो जाते हैं लोग, तो वहाँ का जो SHO जो होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होता है, पहले तो कंप्लेन लिखने से मना कर देता कि नहीं नहीं, मैं कंप्लेन नहीं लिख सकता, इस छोटी छोटी बातों का काम यहाँ नहीं है, यहाँ पर छोटी छोटी कंप्लेन मैं नहीं लिखता हूँ। फिर उसके साथ जो उसके गाँव वाले उसके जो साथ आते हैं, उसके जो पड़ोसी जो होते हैं उसके साथ आते हैं, वो पुलिस को बोलते हैं कि नहीं, हमने देखा है उसने, रघु और उसके साथियों ने इसको बहुत मारा है, इसको चोट भी लगी है, आपको कंप्लेन रजिस्टर करना होगी। तो बहुत बड़ी जद्दोजहद के बाद वो ऑफिसर जो है कंप्लेन रजिस्टर कर देता है और वो कहता है कि कल मैं एक कांस्टेबल भी भेजूंगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहा। फिर दूसरा आता है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। अब जैसे देखिए, आपने देखा होगा इस गांव में क्या हुआ कि मोहन और रघु के बीच जो विवाद था, है ना, जमीन को लेकर जो विवाद कर रहे थे, उसका सेटलमेंट करने के लिए, निपटारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो देखिए, वहां पर क्या होता है, वो गांव में एक पटवारी होता है। पटवारी क्या करता है, पटवारी का कार्य होता है मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स इन द, है ना, उसको क्या है, जितने भी लैंड है उसकी जो मेजरिंग माप करना है और उसका माप, है ना, मेजर करना है और उसका रिकॉर्ड रखना है। तो उसका रिकॉर्ड रखने का उसका कार्य है। पटवारी को अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। कहीं उसको लेखपाल बोलते हैं, किस कहीं कानूनगो बोलते हैं, कहीं कर्मचारी या कहीं विलेज ऑफिसर्स बोलते हैं। पटवारी जो है लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करता है। पटवारी का कार्य क्या है, जितने भी जो लैंड रेवेन्यू है, भूमि राजस्व जो है पैसा, वो पटवारी का काम है, वो कलेक्ट करें और कितनी फसल, कितनी क्या पैदा हुई है उसकी जानकारी वो रखे और उसकी जानकारी वो कलेक्टर तक भी पहुंचाता है। सभी जितने भी स्टेट्स होते हैं उनको जिलों में डिवाइड किया गया है। जमीन से संबंधित जितने भी मैटर्स होते हैं उस, है ना,
के लिए जिलों में सब डिविजन्स बनाए गए हैं, जिनको क्या वो कहते हैं, सब डिविजन्स को तहसील या तालुका कहते हैं, तहसील या तालुका कहते हैं। पटवारी जो तहसीलदार जो होता है, जो पटवारी के कार्य जितने भी होते हैं उसको सुपरविजन कौन करता है, तहसीलदार करता है। अब हम पढ़ेंगे अ न्यू लॉ, एक नया कानून बना है। अभी तक तो क्या होता है कि जब भी हम क्या सोचते हैं कि जब भी कोई जमीन की अगर बात होती है, खेती की बात होती है, तो उसमें किसी पुरुष का ही हम नाम लेते हैं या उसके नाम पर ही रिकॉर्ड रखा जाता है, जो हिस्सा होता है वो किसी पुरुष के लिए होता है। लेकिन अब एक नया नियम आ गया है, एक नया कानून आ गया है, जिसके अंतर्गत अब महिलाओं को केवल खेत तक ही सीमित नहीं रखा गया, भाई उनका कार्य क्या है, केवल खेत में काम करना है, बस इतना ही नहीं है। अब नए कानून के अंतर्गत जो भी खेत है, जो भी जमीन है ना, खेत है, तो उसका जो टोटल जो जमीन है उसका उसमें महिलाओं का भी हिस्सा है ना, उनके जो बच्चे हैं उनका भी हिस्सा है, बेटियां हैं उनका भी, सभी का हिस्सा उसमें रहता है। तो इस प्रकार से ये जो स्टेशन है रूरल जो अपना चैप्टर है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंतर्गत ये सभी बातें होती हैं। इस प्रकार से अपना चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।